75वीं राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ दूदू के गाड़ूता स्थित एसडीआरएफ कैंपस में कार्यक्रम। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा कार्यक्रम में मुख्य अतिथि, साथ ही प्रदेश में एक साथ करीब 1.25 करोड़ पौधे लगेंगे। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचेंगे कार्यक्रम में। दूदू के गाड़ूता स्थित एसडीआरएफ परिसर में 10,000 पौधे लगाए जाएंगे। जनप्रतिनिधि सर्पिलाकार में 100 सनातनी पौधे लगाएंगे। डिप्टी सीएम दिया कुमारी, साथ ही डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, वन मंत्री संजय शर्मा भी मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, अपर्णा अरोड़ा, जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित, ये तमाम अधिकारी मौजूद हैं। अब इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के पहुंचने का और उसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ। तो चलिए, और अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह फौजदार हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी है? तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद हैं, मंत्री पहुंच चुके हैं, इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री के पहुंचने का, क्या अपडेट, कितना समय लगेगा? तो जानकारी आपसे लगातार जरूर साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी, वन मंत्री संजय शर्मा कार्यक्रम में मौजूद, साथ ही मुख्य सचिव सुधांश पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल, अपर्णा अरोड़ा, तमाम अधिकारी मंत्री मौजूद हैं और इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का। कुछ ही समय में पहुंचेंगे सीएम भजन लाल शर्मा और क्योंकि मुख्य अतिथि हैं मुख्यमंत्री, तो उनका इंतजार हो रहा है। तो फिलहाल और अधिक जानकारी के लिए हमारे विशेष संवाददाता लाल सिंह हमारे साथ बने हुए हैं। लाल सिंह, क्या कुछ पूरी जानकारी, देखिए तमाम अधिकारी मंत्री सब वहीं पर मौजूद हैं, इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री के पहुंचने का, क्या वहां से ताजा अपडेट? देखिए, बिल्कुल, आज 75वां राज्य स्तरीय वनोत्सव महोत्सव आयोजित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान में पूरे में 1 करोड़ पौधारोपण एक साथ लक्ष्य किया गया है। इसके साथ ही एक पेड़ माँ के नाम जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तहत राजस्थान ने तय किया है कि 7 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। और आज के दिन अगर हम जिस स्थान की बात करें गाड़ौता में, यहाँ 10,000 पौधारोपण होगा और पूरे प्रदेश भर में 1 करोड़ पौधारोपण किया जाएगा। फिलहाल मैं तस्वीरें दिखा दूंगा किस तरह सीएम अरोड़ा शर्मा के स्वागत की तैयारियां की गई, तमाम जो कलश के साथ मौजूद है और ये इंतजार है कि कब सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचेंगे, क्योंकि यहाँ जो ऐसा हेलीपैड बनाया गया है वहां से कुछ ही देर में सीएम भजन लाल शर्मा पहुंचेंगे। यहाँ से जाने के बाद वो पौधारोपण करेंगे, इसके बाद कार्यक्रम में जाएंगे। आपने पूरी तैयारी की हुई है स्वागत की, किस तरह स्वागत करेंगे सर? यहाँ वेलकम होगा, पहले गज टीका लगाएंगे और ये 75वां जो वन महोत्सव है, भजन लाल जी मुख्यमंत्री जो राजस्थान सरकार के हैं उनका वेलकम यहाँ किया जाएगा। उसके बाद में कलश यात्रा पे ये आतंक पैदल मार्च में ढोल के साथ में ढोल नगाड़े बजते हुए क्लैपिंग करते हुए और मेन जो हम अन्न जी जी और आगे चल करके फिर पौधे रोपण का कार्यक्रम है। आज बहुत बड़ा लक्ष्य है। क्या नाम है? प्रिया शर्मा। जब सीएम सर यहाँ से आएंगे तो हम उनके साथ वहाँ तक जाएंगे और तालियों के साथ ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत करेंगे। ये पूरा कलश लेकर आप आए हो,
पहन के आए हुए भारत देश की संस्कृति उसके तहत। हाँ, ये बहुत ही अच्छी संस्कृति है और हम यहाँ भजन लाल शर्मा का सीएम का स्वागत करने के लिए आए हैं। ये हमारे लिए बहुत अच्छा पावन अवसर है कि हम लोग उनका स्वागत करें और कलश यात्रा लेकर। कलश में क्या क्या है? पानी, जल, मतलब जल है, और ये फूल का और ये नारियल का। ये माना जाता है स्वागत के लिए हमारी संस्कृति, ठीक है। देखिए, तमाम छात्राएं यहाँ मौजूद हैं और कलश के साथ मौजूद हैं, चूँकि ये हमारी संस्कृति है। पधारो हमारे देश की जो हमारी संस्कृति है, हम अपने मेहमानों का स्वागत करते हैं। इसके लिए राजस्थान की धरा खास पहचान रखती है। और फिलहाल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, दोनों तरफ कतार लगाकर पूरे सर पर अपना कलश रखकर जिसमें नारियल है। यहाँ सीएम भजन लाल शर्मा आएंगे, सबसे पहले उनकी आरती उतारी जाएगी। आरती की थाल भी वो लेकर तैयार हैं, तो सबसे पहले आरती की जाएगी सीएम साहब की। आरती करेंगे? यस। तिलक लगा। तो लगातार तमाम अपडेट्स आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल बता दें कि कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा पहुंचेंगे और लगातार 200 पौधे अपने स्कूल ग्राउंड के अंदर लगाए हैं और पीओ क्षेत्र में भी लगाए, कम से कम 2000 पौधे हमने लगाए हैं। पौधे हम लगा देते हैं, लेकिन कई बार हम देखते हैं उसका संरक्षण नहीं कर पाते। पौधे तो लगा देते हैं, एक एक बच्चे को, पांच पांच बच्चों को पौधे दिए हैं, उन पर बाकायदा पौधों के नाम लिखे हुए हैं और बच्चों के नाम लिखे हैं और उनको मतलब पूरी कस्टडी उनको दे दी कि इस पौधे को आपको देखना है, पूरा बड़ा हो जाएगा। तो बच्चे आते हैं, जैसे इंटरवेल में जाते हैं, पानी वानी डालते हैं, हमारी पीटीआई जाती है साथ में, तो पूरा हम ध्यान रख रहे हैं उस पौधे का। बहुत अच्छी तस्वीर यहाँ से निकल कर आ रही है और देखिए तमाम वेलकम के लिए तैयार हैं। हाँ, हाँ, फिर इसके बाद स्वागत किया जाएगा राजस्थानी परंपरा में और तमाम तस्वीरें मेरे सहयोगी त्यागी आपको दिखाते हुए चल रहे हैं। और जब सीएम यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद आगे का जो सबसे पहले तमाम यहाँ जो तमाम मंत्री हैं, विधायक हैं, जो कार्य तस्वीरें लगातार पौधों रोपण का लक्ष्य रखा गया है। ये देखिए फिलहाल यहाँ वन महोत्सव ये कार्यक्रम किया जा रहा है। आज 1 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। देखिए बड़ी सुंदरता से इसको सजाया गया है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से ये पौधारोपण करने के बाद कार्यक्रम जो स्थल बनाया गया, मेरे सहयोगी त्यागी वो तस्वीरें भी दिखाए। कुछ ही समय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा वहां पर पहुंचेंगे और 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा मुख्य अतिथि हैं, लगातार तमाम तैयारियों के साथ इंतजार हो रहा है।